हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं वोट देने और वोट दे के आ रहे हैं, तो अपना कर्तव्य है जाके वोट गिराना। और काफ़ी लेट हो गया था, यहाँ पे छुटकी है, छुटकी को रख के जा रहे हैं घर में। और यहाँ बंद नहीं है, इसको बंद रखना पड़ेगा। तो हम और सचिन के पापा जा रहे हैं, वहाँ पर हैं खड़े। चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं, ये भी गेट गैस 25 साल हो गया है, ख़राब हो गया है, जल्दी से बंद नहीं होता है। इसका चक्का घिस गया है, इसको भी बनवाना है। थोड़ा सा कम लगाते हैं लोग, चलो बढ़ जाता है। देखिए वहाँ बाइक निकल गई है और ये गाड़ी का दशा कैसे हुआ है, सफाई कराना है। कितना बार बोला था कि गाड़ी सीख लीजिए, नहीं सीख रहा है, तब हम ही को सिखवा देते, हम ही सीख लेते हैं। हे गाइस, तो अभी हम आ गए स्कूल पे। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर प्लांट लगा है और सब हरा हरा मस्त दिख रहा है। आम कहाँ है, थोड़ा देखा जाए इस पर, फड़ा है तो कहाँ, एक भी तो आम नहीं दिख रहा है जी। अब 1, 2, 3, 4, 4, 5 तो दिख रहा है आम। हाँ यहाँ पर एक है उस पर थोड़ा सा, आइए ना इधर पकड़िएगा इसको। हम तो गाइस तो देखे यहाँ पे आए लोग किस काम से, आम तोड़ा रहा है यहाँ पे। तो आम ले जाएंगे तोड़ के, मेरा अपने स्कूल का आम है। कभी बहुत ज्यादा था आम इसमें, कभी बहुत ज्यादा। यहाँ पर दो ठो है अभी, कहाँ देखे हैं दूगो, वहाँ पे दो आम लटकल है, इधर है इधर, ये है पूरा चिरा गया। चढ़ी गिरिएगा, हम पकड़ लेंगे, बेचो पकड़िए जो हमको देंगे। चलिए हे गाइस, तो वहाँ भी एक आम का पेड़ है, लेकिन उस पेड़ पे पूरे आम का पेड़ पे एक ही आम बचा था। तो आज सब लोग तोड़ तोड़ के खाता था, लोग ले जाता था लोग, तो आज हम लास्ट इसका कर रहे हैं। थोड़ा सा रहेगा तो लोग तोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम भी तोड़वा लिए कि हमको भी चटनी अचार, देखते हैं क्या बनाते हैं ले जाकर। और इसका रेसिपी भी आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। तो अभी है इस पेड़ पे आम, यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ दिखा रहा है, देखिए अभी आम है, तो बहुत अच्छा है। और ये एक बच्चा का बर्थडे था ना, तो उनके पेरेंट्स आके लगाए थे, एक ये आम का पेड़, एक वो, और दो खालिसपुर में लगाए हैं। तो ये सब चीज़ ना अच्छा होता है। अब ये ज़िंदगी भर जब तक ये रहेगा ना पौधा, तब तक हम लोग नाम लेंगे कि उनका लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है, सोच के लगाए पेड़। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए गमला कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा जा रहे हैं ऑफिस में, बहुत दिनों के बाद हम आए हैं। हाँ देखे यहाँ लगा है अटेंडेंस, तो बनाए क्या हम, बोला है कि आपका फिंगर नहीं लगेगा, बोला है ना कि आपका मेरा इसमें अटेंडेंस नहीं होगा। हाँ मेरा, ये देखिए प्लीज, और ये ऑफिस, ये सब अच्छा हो गया है। अरे ये मैट कहाँ से आया, घर से नहीं, मैट फटा है यहाँ, अब जाके अच्छा लग रहा है। ये पानी पीने वाला है, फ्रिज में पानी है क्या, हाँ दीजिए पिए। एक यहाँ अंधेरा है, बाकी बहुत गर्मी है जी, ठंडा पीजिएगा, फ्रूटी लीजिएगा, दीजिए क्या
फ्रिज आ गया है, फ्रिज में देखते हैं। ये टूट गया तो इसको चेंज कराना पड़ेगा। खुला नहीं है लेकिन वो उधर तक नहीं खुलेगा था। और मेरा केबिन दिखाते हैं जिस केबिन में बैठते थे, अभी क्या हो रहा है उसमें। ये तो सचिन के पापा का केबिन था, ये मेरा केबिन यहाँ पर है, मेरा केबिन जो कि हम आके इसमें बैठते थे, मेरा चेयर यहाँ हम बैठते थे। और देखिए अच्छा बहुत खाली है तो यहाँ पर चेंज करते हैं, खाली है कर रहे हैं, खाली है तो क्या कर रहे हैं। सो गाइस, तो आज आ गए हैं अपने ऑफिस में और आने के बाद यहाँ थोड़ा अजीब अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया सा फील होता है कि ऑफिस में आओ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब सोच रहे हैं ना, घर बन जाता है तो आएंगे डेली डेली स्कूल आएंगे, स्कूल अच्छा लगता है। तो पहले काम ख़त्म हो जाएगा तो अब आने लगेंगे स्कूल, क्योंकि काफ़ी गर्म है। ये तो आप लगवा दिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। जाने पर यहाँ देखिए हमको रोटी मिला है पीने के लिए, और यहाँ कुछ काम हो रहा है ऑफिस में, तो पानी भी रखा हुआ है, फ्रिज है तो अच्छा है, ठंडा ठंडा सब है, नहीं तो गर्म ही मिलता है। एक ठो ले जाएंगे छोटकी के लिए, एक रख दीजिए, एक छोटकी के लिए जाएगा ना, एक दो ले लीजिएगा आप और दीजिएगा, एक मिल जाए मेरा ऑफिस क्यों चेंज किया, नहीं आ रहा है इसलिए। आपका यहाँ लगा दिया, मेरा यहाँ पर लगा दिया। अब हम आएंगे, घर का काम खत्म हो जा रहा है तो ठीक है, आएंगे तो सही हो जाएगा। आप चेंबर में बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर में क्या करेंगे बैठ कर। आपका आई कार्ड वहाँ लगा, मेरा आई कार्ड भी है यहाँ पर, कहाँ पर है यहाँ पर है आई कार्ड, दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे आई कार्ड है मेरा, वहाँ का है यहाँ पे इनका। और यहाँ हम लोग मीटिंग में जितना गए हैं लोग जहाँ जहाँ, तो वहाँ का भी यहाँ रखे हैं। ये प्रिंस का है, सौरभ का था। सो तो देखिए ये हमारा कपड़ा चपेट रही है तो हम बोलेंगे छोड़ दो मत करो, तो इसके मुंह से बात सुनिए क्या बोल रही है, बुढ़ दादी है। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो आप मेरे से क्यों काम नहीं करवाती हैं? अभी तुम बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाना तब करना। अच्छा। समझी, तुम बहुत छोटी है, तुम्हारा तो कपड़ा हम धोते हैं, हैं? तो तुम जब बड़ी हो जाना तब करना, तो करोगी ना बड़ी होके? तो ये फोल्ड क्या कर रही है, सब कपड़ा फोल्ड कर फिर खोल के कर रही हो तुम? बड़े पापा का है दर्द वास्ते, अब बेड पे ही सब मत रखो, गंदा हो रहा है बेड। बेड बेड ठीक है, तुम अपन सामान अपने पास रखो, किताब कॉपी और सामान इधर का उधर मत रखो। अरे फिर बेड पर नहीं रखो, गंदा हो जाएगा बेड। गाइस देखिए सब इधर का उधर करते रहती है झूठ मूठ का, देखिए अभी तेल ला के यहाँ रख दिए। गाइस तो वीडियो कराने देते हैं यहीं तक, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार।